सो टुडे इट्स 6 जनवरी और आज के दिन, आज से मतलब हमारा खेपा शुरू होता है। तो खेपा के पहले दिन हम ये जो काटे हैं लाते हैं तोड़ के और अपने घरों के दरवाजों के ऊपर टांगते हैं, और ये साल में सिर्फ एक बार होता है। तो इस साल का ये इस बार अभी आज के दिन है, तो आज के दिन ये काटे हम अपने अपने दरवाजों के ऊपर लगाएंगे और ये हर घर में किया जाता है। और कांटे तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कांटे का टॉप है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, तो अच्छा नहीं होता है मतलब। और यही कांटा मतलब हर चीज़ में यूज़ किया जाता है, जैसे कि दीप्ता का कुछ काम हो, कहीं जादू निकालना हो, कुछ भी शुद्धिकरण करना हो, कुछ भी हो, तो ये कांटा मतलब इसी को यूज़ किया जाता है, बेस्ट है ये। और इसके पीछे होगी अपनी अपनी मान्यता, मुझे पता नहीं है। और खेपा के बाकी दिन जैसे आज से स्टार्ट है तो क्या क्या करते हैं तो वो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा। और खेपा के बारे में जब मैंने माता जी से पूछा तो मम्मी जी ने बताया कि ये जो डाई वगैरह होते हैं उनको, उनके लिए मनाया जाता है, ये हमारे बुजुर्गों के द्वारा मनाया जाता था पहले से, तो हम भी उसे अभी भी फॉलो करते हैं। तो हर घर में मनाया जाता है यहाँ पे, और जैसे कि 3 दिन हो चुके हैं और लगभग अब कल सुबह समामक किया जाएगा, मतलब इस कांटे का जो टॉप की चोटी है उसे आग में, चूल्हे में आग में जलाए के चूल्हे के ऊपर से फेर के घर से थोड़ा दूर जाके फेंक देंगे या रख देंगे। इस तरह से समामक किया जाता है। और ये पोषण चला है आजकल, तो हर साल पोषण टाइम में होता है और काफी हमारे बुजुर्ग लोग मनाते, तो हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, उसे उनके उनके रीति रिवाज, उनके परंपराओं को। और हम बचपन में बहुत खेलते थे यार, और मुझे पता है कि नौर में जहां भी मतलब बनता होगा ये बचपन में सब ने उल्टे उल्टे की फाइट तो जरूर कर रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ कैसे। सो जो हमारी खेपा है 6 तारीख से शुरू हो चुके थे, मैंने इस वीडियो का जो शुरू का पार्ट है वो तभी 6 तारीख को शूट किया था और मैं आगे भी दिखाने वाला था, कंटिन्यू करने वाला था, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी, आपको पता ही है मैंने अभी 2-3 दिनों से वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कहाँ बिजी हूँ वो आपको पता है, तो उस चक्कर में मैं नहीं दिखा पाया। और आज पहुँचा हूँ घर पर और तब मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी खेपा के बारे में क्या है, तो मम्मी ने बताया ये सब की जो होते पहले से बनाते आ रहे हैं डाय वगैरह जो होते उनको चढ़ावा टाइप। घर में हर दरवाजे के ऊपर एक एक कांटा रख देते हैं हम, और वो नेक्स्ट ईयर तक वैसे ही रहेगा हर दरवाजे के ऊपर। ये आटी के बकरी के शेप में बनाया जाता है तेल में तलकर, और फिर एक नॉर्मल आटे का बनाया जाता है और एक दूसरे आटे का बनाया जाता है, वो आई थिंक शन्ना मतलब हमारा जो डोगरी है वहाँ पर जाके उसे पूजा जाता है। और बचपन में जैसे सुबह होता था मम्मी बना देती थी रात के 2-3 बजे उठकर, तो हम सुबह उठते थे तो बने बनाए होते थे, तो हम फटाफट अपना अपना चूज कर लेते थे और फिर सब अपने अपने बकरे के ऊपर दाव लगाते थे और फिर फाइट करते थे, और हम तो काफ़ी ज़ोर से टक्कर कराते थे और फिर देखते थे कि किसका ज़्यादा मजबूत है, किसका टूटेगा, किसका हाथ टूटेगा, किसका सींग टूटेगा, किसका मुँह टूटेगा, ये देखते थे हम। सुबह समामक किया जाएगा इन सबको। और यहाँ पर मीट भी लटकाया था, पोल्टू भी लटकाया था, अभी थोड़ी देर पहले मम्मी निकाला है भेंट टाइप। वैसे तो मैं आपको सुबह दिखाता कि कैसे कांटा जलाते हैं, क्या कुछ करके मतलब समेटते हैं सब, समामक कैसा करते हैं, बट मुझे मेरा पता है मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सब कुछ पता नहीं शायद अंधेरे में मम्मी उठ के कर देंगे, तो मेरा सुबह इतना जल्दी अंधेरे से उठना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ। और अभी भी जाके थोड़ा वीडियो एडिट करूँगा आज उर्नी विलेज से रिलेटेड,
सो पहले वो पोस्ट करूंगा, उसके बाद जाके ये वीडियो पोस्ट करूंगा। सो मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।